भी है आपको तो पंजाब भाइयों को सबको पता ही होगा आज मेरी कुश्ती कहाँ पर थी और किसके साथ थी। बस ये नहीं पता आपको कि किसके साथ थी। जो आज जो कमेटी थी आज से मैं पहले 2 साल हुआ लड़ रहा हूँ पंजाब में, तो हर कमेटी ने मेरे को इतना प्यार दिया है कि मैं वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। कि हर कमेटी हो जो भी पिछले में कहीं मैं 13-14 महीनों से लड़ रहा हूँ, तो हर कमेटी ने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत सारा मतलब मेरे को मैं बता भी नहीं सकता कि इतना प्यार दिया है। और ऑल पंजाबी इतने ग्रेट हैं कि मैं बता नहीं सकता कि इतने ग्रेट हैं। उधर मैं लड़ने के लिए गया था और मेरे को बताया गया कि आपकी मोनू दिल्ली से कुश्ती होने वाली है और बुलेट गाड़ी पे आप दोनों को बराबर में हिस्सा दिया जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, मैं आ जाऊंगा। मैं दंगल में पहुंच गया। दंगल में पहुंचने के बाद भी उन्होंने बताया गया मेरे को कि भाई आपका दंगल में कुश्ती होने वाली है प्रवेश से। मैंने बोला उन्होंने बताया गया बाद में से मेरे को कि क्यों भाई हमारी ओ दोनों से भी कुश्ती कैंसिल हो गई है। मैंने बोला क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि हमारी तेरी कुश्ती प्रीतपाल से होने वाली है। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लड़ लूँगा मैं, पहले भी लड़ चुका हूँ, अभी भी लड़ लूँगा। तो मैंने बोला कि उन्हें बस मैं बुलेट पे नहीं लड़ूंगा, जो मेरा पैसा बनता है वो मेरे को दे दो। उन्होंने बोला नहीं भाई, हम बुलेट पे ही लड़ाएंगे। आप बताओ मेरे को, आपकी एक नंबर वाली झंडी के जो भी हैं एक बुलेट पे दोनों लड़ सकते हैं क्या? दो पहलवान एक झंडी के एक बुलेट पे लड़ सकते हैं क्या? क्योंकि हम दोनों भी पंजाब के एक नंबर के झंडी पे लड़ने वाले पहलवान हैं। तो अब ही बताओ भाइयों कि एक कमेटी ने गलत किया या सही किया। और आप लोग भाइयों सभी मेरे पे उंगली उठा रहे हो, मैं क्यों नहीं लड़ा। आप पहले ये जान लो कि इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है, सिकंदर क्यों लड़ा नहीं, ये जान लो कि सिकंदर लड़ा नहीं, उसके पीछे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बस लड़ा नहीं। सिकंदर देखो कभी भी डर के भागा नहीं है, सिकंदर कभी भी लड़ने से मुकरा नहीं है, सिकंदर कभी भी किसी से डरता नहीं है, इसलिए मैं भाई लोग सभी को प्रार्थना मैं आपसे विनती करता हूँ कि इंस्टा पे जो बोल रहे हो आप वैसा कुछ भी नहीं है। और आप जो अभी कर रहे हो इंस्टा पे कि भाई सिकंदर तू क्यों नहीं आया, उसके पीछे वजह है जो मैंने आपको बताई है। बस आप इंस्टा पे कुछ गलत ना बोलिए, सिकंदर कभी भी किसी से डरता नहीं है। बस आप वीडियो गलत ना डालो। तो हम दंगल में जाने से पहले ही बताया लड़का है उसी से हम लड़ेंगे, और सिकंदर जो भी बोलता है वही करता है, जो कभी नहीं बोलता वो कभी भी नहीं करता है। तो प्लीज आप जो कमेंट दे रहे हैं, जो इंस्टा पे जो वीडियो डाल रहे हैं, जो आप गलत कर रहे हैं वो ना करिए भाई। मैं महाराष्ट्र का रहने का हूँ, लेकिन पंजाब से इतना प्यार हो चुका है कि मेरा जाने का मन नहीं करता इधर से महाराष्ट्र में। तो आप प्लीज भाई ये ना करो। और एक बात है भाई, लड़ने की वजह मैं आपको बता चुका हूँ, लड़ने की वजह बता चुका हूँ। तो फिर प्लीज वीडियो और जो भी है कमेंट वो आप ना करो। और आप भी सोच लो, एक कमेटी की गलती है या मेरी गलती है? मेरी गलती होती तो मैं मान लेता,
लेकिन मेरी इसमें इतनी सी भी गलती नहीं है। तो प्लीज़ आप जो भी कमेंट कर रहे हो वो ना करियो, मेरे लिए, मेरे दिल में पंजाब, सभी पंजाबियों के लिए, एक पंजाब दो पंजाबियों के लिए नहीं, सभी पंजाबियों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। इसलिए प्लीज़ आप ये ना करियो। मैं कभी भी लड़ने से मुकरा नहीं हूँ, आज तक कभी भी मैंने कुछ कैसे भी कुश्ती नहीं की है, जो भी कुश्ती की है चितपटी की है मैंने। इसलिए प्लीज़ जो भी करना है सोच समझ के किए। सिकंदर भाई क्यों नहीं लड़ा और इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है, और जो भी है मैंने आपको वजह बता चुका हूँ। इसलिए प्लीज़ ना करो प्लीज़। ओके बाय बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब करो MS लाइव TV चैनल नू, ते नवीं नवीं वीडियोज़ देखने लई बैल दे आइकन ते क्लिक करो।